नमस्कार दोस्तों, आज इस घटना की कहानी लेकर आ गया हूं। ये बड़ी ही विचित्र और डरावनी घटना की कहानी है। इस घटना को आपको ध्यान से सुनना होगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इस घटना में दो मुख्य किरदार हैं, एक का नाम है शिवम और एक का नाम है सत्यम। ज्यादा पुरानी घटना नहीं, बल्कि अभी कुछ दिन पहले की ही घटना है, और इनफैक्ट आज तक, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक उसके साथ घट रही है। दरअसल ये दोनों ही महाराष्ट्र के धुले डिस्ट्रिक्ट के अंदर के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। इस गांव में जितने भी परिवार रहते भाई, वो बिल्कुल रिश्तेदारी के जैसे रहते, पड़ोसी जैसे नहीं। ऐसे नहीं कि ये गांव के हैं, बल्कि ऐसे रहते कि एक घर के ही हैं। किसी को भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ती तो गांव का हर एक व्यक्ति उसके साथ खड़ा रहता। मैं आपको स्टार्टिंग में ही इसलिए सब कुछ बता रहा हूं क्योंकि ये जो पार्ट है, ये कहानी में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट किरदार निभाएगा, एक दूसरे का हेल्प करना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कहानी में। शिवम और सत्यम दोनों सगे भाई, एक ही घर के लड़के, सत्यम बड़ा और शिवम छोटा। शिवम हाल फिलहाल में ही अपनी पढ़ाई करने के लिए छत्रपति संभाजी नगर गया हुआ था, अपनी फर्स्ट ईयर में बढ़िया से एडमिशन ले लिया था। उसका जो बड़ा भाई था सत्यम, वो भाई रहता था नासिक में, इंजीनियरिंग कर रहा था एक अच्छी ब्रांच में। ब्रांच कौन सी ये नहीं बताऊंगा, लेकिन एक अच्छी ब्रांच में इंजीनियरिंग कर रहा था। अब ऐसा होता है ना कि कुछ दिन बाद से शिवम को ऐसा लगने लगता है कि यार मैं अपने भैया से दूर क्यों हूँ। कॉलेज में मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, कॉलेज में भैया भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों नहीं है कि हम लोग एक साथ रहते। उसका इस शहर में मन लगना बंद ही हो गया। उसने सोचा मैं भैया के पास ही नासिक चले जाऊंगा और बढ़िया उनके साथ रहूंगा, उनके कॉलेज में ही एडमिशन ले लूंगा। सीन ये होता है कि कॉलेज में एडमिशन, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के कुछ समय बाद से ही वो ट्रांसफर की प्रोसेस ढूंढने लगता है कि कैसे भी करके मुझे शहर से ट्रांसफर मिल जाए नासिक में, ताकि भैया के साथ रहूं। आखिरकार उसके फर्स्ट ईयर के एग्जाम कंप्लीट होते हैं और कॉलेज वाले उसको परमिशन दे देते हैं कि ठीक है भाई, अगर आप ट्रांसफर लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, उसको एक सर्टिफिकेट बनाकर दे देते हैं। शिवम बहुत खुश हो जाता है। इधर से सत्यम को भी उससे कॉलेज की छुट्टी मिली थी, उसका भी सेमेस्टर कंप्लीट हुआ था। तो सत्यम क्या बोलता है, भाई तू डायरेक्टली नासिक मत आ, एक काम करते हैं, तू भी उधर से गांव की तरफ निकल, मैं भी इधर से गांव की तरफ निकलता हूँ, दोनों गांव में मिलते हैं, कुछ दिन मस्ती मजे करते हैं, और फिर जब हमारी छुट्टियां कंप्लीट हो जाएगी, मतलब हमारा नया सेमेस्टर शुरू होगा, तो दोनों मिलके एक साथ नासिक आ जाएंगे। इसने बोला ठीक है भैया, ऐसी करते हैं। तो ये अपने शहर से, मतलब शिवम छत्रपति संभाजी नगर से कुछ सामान खरीदता है कि गांव लेके जाऊंगा, मम्मी पापा को दूंगा, तो सब लोग खुश हो जाएंगे, तैयारी वैयारी करता है। इधर से सत्यम नासिक से अपने होम टाउन, अपने गांव पहुंच चुका है, और वो छत्रपति संभाजी नगर से बस पकड़ा है कि मैं अब अपने घर के लिए निकलता हूँ। वो बस में बैठा ही है, बस एक दो स्टॉप आगे बढ़ी ही है कि जंगल वाला एरिया था। उस जंगल वाले एरिया से एक बूढ़ा आदमी बस में चढ़ता है। शिवम के बाजू वाली सीट खाली थी, वो बूढ़ा आदमी यहाँ पर आकर बैठ जाता है। बूढ़ा आदमी शिवम को देखकर कहता है कि बेटा, बहुत कम बस में बैठा हुआ हूँ और सफ़र करने से बहुत डर लगता है, तू बेटा मेरा हाथ पकड़ के चलना। शिवम उस बूढ़े आदमी का हाथ पकड़ लेता है, देखता है बेचारा बहुत बूढ़ा है और घबरा रहा है, उसको शायद मोशन सिकनेस होगी, उसको डर लगता होगा बस गाड़ी चलती है। तो शिवम उसका हाथ पकड़ लेता है कि कोई बात नहीं दादाजी, मैं हूँ, कुछ नहीं होगा। और जैसे ही शिवम उस बूढ़े आदमी का हाथ पकड़ता है ना, तो उसको नींद का झोंका आने लगता है, नींद से ऐसा ऐसा करने लगता है। बूढ़ा आदमी बोलता है बेटा नींद आ रही है तो टिक के सो जा। तो शिवम भी सोचता है सो जाता हूँ, अभी मेरे तो स्टॉप आने में काफ़ी टाइम है। शिवम सो जाता है, पता नहीं सोए हुए कितना समय हुआ था कि धाम करके आवाज़ सुनाई देती है। शिवम की आंखें खुलती है, क्या देखता है कि बस बहुत बुरी तरह से टक्कर खा के एक खाई में जाके गिर चुकी है, और बस में जितने भी लोग सवार थे सब कुछ ले दबे और खत्म हो चुके हैं। बस में से एक भी व्यक्ति शायद जिंदा नहीं बचा, लेकिन शिवम अकेला था जिसको एक खरोच तक नहीं आई। आंख खुलते से ही उसने सबसे पहले खुद को संभाला और देखना चाहा कि जो बूढ़ा व्यक्ति बेचारा इतना डर रहा था बस में बैठने से, जिसका मैं हाथ पकड़ के बैठा हुआ था, वो ठीक तो है कि नहीं, उसे कुछ हुआ तो नहीं है। थोड़ा उठ के इधर उधर देखने की कोशिश करता है, बूढ़ा आदमी लिटरली उसको कहीं पे भी दिखाई नहीं देता, और शिवम वहीं पर घबराहट के मारे अब इतना कुछ देख लिया है, पहले रियलाइज किया मैं ठीक हूँ, अंकल जी दादाजी नहीं दिखे, अब वो रियलाइज करके हो गया बेहोश, घबराहट बहुत हो गई, बेहोश हो गया। जब वापस से शिवम की आंखें खुली तो वो अपने गांव के पास के ही एक हॉस्पिटल में है, और उसे घर वाले सारे लोग हैं, सत्यम भी है, मम्मी पापा, आस पड़ोस के भी एक दो खास अंकल आंटी लोग भी हैं। ये बहुत
ज्यादा डरा हुआ था होश में आने के बाद भी, क्योंकि ये इंपैक्ट बस की टक्कर का इतना ज्यादा जो था। सीन ये होता है कि उसे घर वाले उसको अपने घर पर लेकर चले जाते हैं, लेकिन वो सही तरीके से अपने आप को रिकवर कर नहीं पाता है। दिन भर सोते रहता है, ज्यादा किसी से बात नहीं करता है, खाना खाता है फिर सो जाता है, दवाई का असर इतना ज्यादा था। 15-20 दिन बाद वो लगभग ठीक होता है और अब फाइनली ये नौबत आ जाती है कि ठीक है, क्योंकि क्या हुआ था, चोट तो लगी नहीं थी, सिर्फ यहां पर एक सदमा जैसा लगा था, उससे ही उभरने में उसको 15-20 दिन लग गए थे। डरा सहमा था ना, उसकी दवाई चल रही थी। तो ठीक है, 15-20 दिन बाद वो मेंटली अब फिट हो गया और उसे घर वालों ने और सत्यम भैया ने भी ये डिसाइड किए कि अब हमको अपने आगे के सेमेस्टर की पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि इसका भी अब वहां पर एडमिशन हो सकता है। शिवम और सत्यम दोनों नासिक पहुंच जाते हैं, वहां पर इसका बढ़िया से एडमिशन हो भी जाता है और ये वहां पर अच्छे से रहने लगता है। लेकिन शिवम को एक चीज की थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। शिवम को मराठी लैंग्वेज के अलावा हिंदी लैंग्वेज जो थी ना, बहुत अच्छे से नहीं आती थी, समझता पूरा था लेकिन बोल नहीं पा रहा था। अब वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए आया हुआ है तो तकलीफ होगी, नासिक एक बहुत बड़ा शहर है और इंजीनियरिंग की पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में ही हो रही है, हिंदी में वहाँ के टीचर्स लोग बात कर रहे हैं, मराठी का माहौल थोड़ा कम ही मिल रहा है, तो उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था। तो सत्यम का कहता है कि बेटा इतना घबराया मत कर, पहली बात तो तू ठीक है ना यार, कोई बात नहीं, तू अपने मन को स्ट्रांग बना कर रख, हमारी लैंग्वेज से एजुकेशन का कोई लेना देना नहीं है, तो अपने मन को शांत करने के लिए ना मंदिर जाया कर, इतनी बड़ी बात नहीं है जितना तू टेंशन ले लेता है। बोलता है हाँ भैया मैं मंदिर जाऊंगा। तो जहां पर ये लोग रहते थे ना नासिक में, उससे थोड़ी आगे एक शिवजी का मंदिर था, बहुत पुराना मंदिर। वो रोज अपने कॉलेज जाने से पहले शिवजी के मंदिर में माथा टेक लेता और फिर कॉलेज जाता। ऐसे करते करते 20-25 दिन बीत गए। 20-25 दिन बाद से शिवम के बिहेवियर में एक वियर्ड सा चेंज आने लगा। पहले ये नॉनवेज खाता था, शिवम को नॉनवेज खाना बड़ा पसंद था, लेकिन अब उसको नॉनवेज देखते से ही घिनाने लगी। एक दो बार तो उसने नॉनवेज, उसके भाई ने बुलाया उसका घर पे, नॉनवेज देख के उल्टी कर दिया। तो सत्यम को थोड़ा अजीब लगा कि बड़े चाव से खाता था, आज मैंने घर पे इतने बढ़िया रेस्टोरेंट से बुलाया हूं तो इसको उल्टी क्यों आ रही है। खैर ये तो कुछ नहीं, शिवम ना अब पूरे टाइम शिवजी के मंत्र पढ़ते रहता। उसकी हिंदी कुछ ऐसी हो गई थी कि अच्छा अच्छा हिंदी बोलने वाला भी कोई सुनेगा ना तो शॉक हो जाएगा, इतनी फ्लुएंटली और ऐसे ऐसे वर्ड्स का यूज करता था जो कि कई जमाने पहले लोग करते रहे होंगे। मतलब शुद्ध हिंदी जिसको कहा जाता है ना, जिसमें संस्कृत के भी बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, वो ये बोला करता था। हैरानी वाली बात ये थी कि शिवम ने संस्कृत पढ़ा ही नहीं था अपने स्कूल में, तो फिर ये सब कुछ कैसे कर रहा था। सत्यम को थोड़ा शौक हो रहा था। अब शिवम एक और वियर्ड बदलाव कर दिया, धोती पहनने लगा और धोती पहन के ही कॉलेज जाने की कोशिश करता। कॉलेज में उसको डांट पड़ती कि धोती पहन के क्यों आ रहा है, खरीद के ले आया था धोती, धोती पहन के क्यों आ रहा है भाई, कॉलेज की यूनिफॉर्म है। अब वो कुछ दिन तक तो ऐसा धोती में गया। अब और भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात बताता हूं, कुछ दिन बाद ये होने लगा कि वो अपने घर से सिर्फ धोती पहन के निकलता, ऊपर वाले वस्त्र नहीं पहना रहता, बनियान शर्ट टी शर्ट कुछ नहीं पहना रहता, शिव मंदिर तक वैसे ही जाता, वहां पर बैठ के 1.5 घंटे तक मंत्रों का जाप करता, बहुत बड़े बड़े मंत्र, कठिन कठिन स्त्रोतम, बहुत बड़ी बड़ी स्तुतियां पढ़ता और फिर 1.5-2 घंटे बाद वो उठता और फिर कॉलेज के लिए जाता। भाई बहुत बोला था तब जाकर वो कॉलेज के लिए निकलता था तो कुछ ऊपर से डालता था टी शर्ट शर्ट। ये बहुत वियर्ड बदलाव नहीं है? मतलब कोई ऐसा करेगा आपकी पहचान में तो आपको लगेगा नहीं कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, अभी तक तो सब कुछ ठीक था। आने वाले 10 दिन तक उसका भाई उसको नोटिस करता है, केवल उसके हाव भाव में इतना बदलाव नहीं, पढ़ाई लिखाई बंद कर दिया था, खाना पूरी तरीके से सात्विक जैसा कर दिया था और बहुत सारी चीज़ यार, मतलब बार बार में भगवान का नाम लेना, रात में 3-3, 4-4 बजे तक मंत्र पढ़ते रहना, सोना सहना नहीं, कुछ अजीब हो रहा था ना इसके साथ। सत्यम ने क्या किया, घर पे फोन करके बोल दिया। उसके मम्मी पापा ने बोले अच्छा ऐसी बात है तो रुक हम लोग आते हैं देखते हैं। जिस दिन उसके मम्मी पापा नासिक वाले इनके घर पर पहुंचे हैं, उसी दिन ये गुस्से में इतना बौखला गया जिसकी कोई लिमिट नहीं, जोर जोर के गाली देने लगा, अपने घर वालों को वहां से भगाने की कोशिश करने लगा कि मेरे को मेरी पूजा पाठ में डिस्टर्ब मत करो, एकदम बौरा गया। उसे घर वाले उसको देखकर थोड़े घबरा से गए, बोले क्या है
इसको गांव लेकर जाना पड़ेगा। जैसे तैसे करके आस पड़ोस के दोस्तों की मदद से गाड़ी करके उसको गांव लेकर जाते हैं। जब गांव लेकर जा रहे थे ना, उसके हाथ ऐसे पीछे बांध कर रखे थे, पैर बांध कर रखे थे और मुंह में पट्टी बांध दिए थे कि वो कुछ बोले ना, क्योंकि इतना चिल्ला रहा था, इतना हाइपर हो रहा था, मारने की कोशिश कर रहा था सबको, वो बस यहां से जाना नहीं चाह रहा था। जैसे ही अपने गांव पहुंचा तो चिल्लाने लगा कि कितना दूर जाएगा मुझसे, उसका मुंह खोले ना, अब कितना दूर जाएगा मुझसे, तू जहां भी चले जा मुझसे दूर नहीं हट सकता, मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा। लेकिन किसके लिए ये बोल रहा था, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। इससे इसकी मम्मी पापा पूछते भी कि क्या हो गया बेटा, तू किसको बोल रहा है, वो कुछ जवाब ही नहीं देता। आस पड़ोस के लोग भी आ गए थे, वो तो मदद करने वाले, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था परिवार जैसे गांव वाले लोग थे, तो आस पड़ोस के लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है, उनका भी दिमाग ब्लैंक हो रहा है कि क्या सीन चल रहा है हमारे लड़के के साथ, हो क्या गया है। वो अभी यहाँ पे भी ऐसी करता, एक रात को उसको यहाँ रहते रहते 10-12 दिन हुए होंगे, एक रात को पापा ने सोचा कि मेरा बेटा ठीक है कि नहीं, उठ के उसे कमरे में तो जाऊँ देखूँ। तो शिवम के कमरे में जैसे उसके पापा जाते हैं ना रात के 2 बजे, क्या देखते हैं, शिवम घर पे है ही नहीं। चिल्ला चिल्ला के पापा ने सबको उठा दिए, सब लोग उठे, आस पड़ोस के लोगों की भी नींद खुल गई कि क्या हो गया, क्या हो गया, कहाँ गया लड़का, तो ढूंढना पड़ेगा। पूरे गांव में ढूंढाई चल रही है शिवम की, शिवम कहीं नहीं मिल रहा है। फिर कोई ढूंढते ढूंढते नज़दीकी शमशान घाट में पहुंचा, किसी ने क्या देखा, आज ही बाजू वाले गांव में किसी की मृत्यु हुई थी, उस चिता के पास बैठकर, चिता ठीक से ठंडी भी नहीं हुई थी, अपने पूरे कपड़े उतारा हुआ है, चिता की जो वो राख है ना वो पूरे शरीर पर लगा रहा है, पूरे शरीर पर, और हवा में देखकर कुछ मंत्र पढ़ रहा है कि किसी से बात कर रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। सब घबरा गए, जल्दी जल्दी उसके पापा को फ़ोन करके बुलाए कि आपका लड़का देखो शमशान घाट में बैठ के ऐसा ऐसा कर रहा है, जैसे तैसे करके आए, उसके कपड़े से उसके शरीर को ढके उसको लेके जा रहे हैं, वो चिल्ला रहा है, इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है कि 2 बस्ती तक आवाज़ जाए। सब इतने डर गए थे ना कि अब एक परिवार जैसे होके भी आगे बढ़ने की हिम्मत कोई जुटा नहीं पा रहा था। इसकी दवाइयाँ चली है, कहाँ कहाँ नहीं दिखाए हैं, लेकिन कुछ आराम नहीं मिल रहा है, रिपोर्ट्स पूरी निगेटिव है, मेंटल स्थिति लोग बोल रहे हैं डॉक्टर वाले की भी, भाई नॉर्मल ही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कर क्यों रहा है। इसका इलाज चलते चलते अब 3-4 दिन हुए होंगे, अचानक से शाम के समय अपना पूजा रूम में बैठ के पूजा कर रहा है, झटके में उठा, अपना शर्ट फेंका, धोती पहना रहता था वो, शर्ट फेंका उतार के और भागा है किसी तरफ, तो पापा भाई देख के सब घबराए, किस तरफ भागा, चलो देखो, तो अंधेरा हो चुका था शाम वाला, उसके पीछे 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 भाग रहे हैं, आस पड़ोस के लोग भी 2-4 भागने लगे, कहाँ जा रहा है कहाँ जा रहा है। तो वो गया एक जंगल वाले एरिया में, इस जंगल वाले एरिया के थोड़ी आगे एक शिवजी का मंदिर था, बहुत पुराना, बोलते हैं कि 600-700 साल पुराना मंदिर। उस मंदिर के पास जाने की कोई हिम्मत दिन में भी नहीं करता था, लिटरली दिन में भी वहाँ पे कोई नहीं आता था, क्योंकि उस मंदिर के बारे में लोग कहते थे कि यहाँ पे एक नाग देवता आते हैं, एक बहुत बड़े नाग हैं जो यहाँ पर आते हैं, शिवजी की स्तुति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इक्षाधारी नाग, मतलब गांव वालों का ये कहना था कि इक्षाधारी नाग यहाँ पर शिवजी की पूजा पाठ करके जाते हैं, उनको कोई देख ना ले, वो क्रोधित ना हो जाए, इसलिए गांव वाले कोई हिम्मत नहीं जुटाते थे वहाँ पर जाने की, और शिवम ने भी अपने पूरी लाइफ में वहीं तो रहा है उस गाँव में, उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं किया था। लेकिन आज भागते भागते जैसे तैसे करके वहाँ पर पहुँचा, और शिवजी का जो शिवलिंग था ना, बड़ा शिवलिंग था, थोड़ा 4.5-5 फीट का, उसको पकड़ के रोने लगा, तू मुझसे कितना दूर जाएगा, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, तुझे ढूंढ निकालूंगा। अब गांव वालों की असली सिट्टी पिट्टी गुल हुई, गांव के सारे लोग समझ गए इसको दिमाग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इसको बाहरी हवा की प्रॉब्लम हो गई है। लेकिन कैसे, क्यों हुई है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस रात जैसे तैसे करके उसको घर तो लाया गया, लेकिन सब टेंशन में पड़े हुए हैं। एक बहुत दूर से एक बड़े अघोरी बाबा को लाख मिन्नतें करके इनके घर पर लाया गया। अघोरी बाबा जैसे इनके घर के प्रवेश द्वार में खड़े होते हैं ना, वैसे ही वो जो चीजें हाथ में आ रही है उठा उठा के फेंक रहा है अघोरी बाबा की तरफ, और चिल्ला के बोल रहा है, तेरे अंदर इतनी ताकत कब से आ गई, होगा तू अघोरी, तू मुझे जानता है मैं कौन हूं, तू मुझे हिला नहीं सकता, मैं उसका भक्त हूं, और जब तक वो मुझे मिलेगा नहीं मैं हिलने नहीं वाला, तेरे जैसे बहुत देखा हूं, तू निकल जा, तू जीवित रहना चाहता है तो निकल जा, वरना तेरे साथ साथ इस पूरे गांव को खत्म करके रख दूंगा, तू मुझे जानता नहीं है,
नाम पता चल जाएगा तो भागते फिरेगा, ऐसा चीख चीख के बोला इसने। गांव के सब लोग सुन के डर गए। जितने लोग वहां पर खड़े हुए थे ना, इधर उधर होने लगे कि कुछ तो बड़ा मैटर हो गया है। अघोरी बाबा भी विश्वास नहीं मानोगे, एक कदम पीछे हटे और बोले कि यह मैं नहीं कर सकता, माफ कीजिएगा, मैं चलता हूं। अघोरी बाबा की आंखों को देखकर उस समय ऐसा तो कुछ समझ में आ गया था कि अघोरी बाबा कुछ तो ऐसा जान गए हैं जो चाहकर भी किसी के सामने बोल नहीं सकते। लेकिन क्या आज तक अपना शिवम उस चीज से जूझ रहा है, सेम स्थिति में है? अघोरी बाबा अभी 5-6 दिन पहले ही इन लोगों के घर पर आए थे, अभी तक उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया और अभी तक कोई भी ये नहीं जान पाया है कि आखिर शिवम के साथ ये होना कैसे शुरू हुआ, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसी को कुछ नहीं मालूम। अघोरी बाबा ने भी नहीं बताया। मुझे तो ऐसा लगता है, और मुझे क्या बहुत सारे लोग जो गांव के लोग हैं, बुजुर्ग लोग, बड़े लोग, समझदार लोग कहते हैं कि इसको ब्रह्म राक्षस ने पकड़ लिया। कुछ लोग कहते हैं कि ये बेताल पीड़ा है, कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्म पिशाच है, कोई कहते हैं कि एक ऐसी शक्ति है जो हमारी सोच से भयंकर परे है। हम कितना भी ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म पिशाच, बेताल सोच ले, ये कुछ और ही है, ये एक एक्सेप्शनल केस है जो हम कभी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ये कैसे ठीक होगा? शायद ऐसे लग रहा है कि इसके अंदर जो भी शक्ति आई है, जो भी साया ने इसको जकड़ कर रखा है, वो खुद महादेव का भक्त है। लेकिन कौन सी शक्ति होगी वो? ऐसा ब्रह्म राक्षस, बेताल, ब्रह्म पिशाच तीनों के केस में होता है। वो मेहंदीपुर बालाजी भी जाएगा तो वो ठीक होगा कि बजरंगबली का भक्त बन के भक्ति करने लगेगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या आपने ऐसा कोई केस अपनी रियल लाइफ में सुने, देखे, जाने हैं तो कमेंट सेक्शन में इसका सॉल्यूशन बताइए। हो सकता है कि शिवम के घर से रिलेटेड कोई भी व्यक्ति या शिवम को जानने वाला कोई व्यक्ति ये कमेंट आपका पढ़े तो उनकी मदद कर दे, उनकी सहायता हो जाए। आज परिवार उनकी बड़ी खराब स्थिति से गुजर रहा है, ये कुछ और ही है या आपकी सोच से भी बहुत परे? आप सोचो किसी के साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो कैसे वो सामना कर रहे होगे इस चीज़ का। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि प्राप्ति ने इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजी। प्राप्ति इसी गांव की रहने वाली है और प्राप्ति ने खुद ये चीज़ विटनेस करी है। मैंने सोचा आप लोगों के सामने लेकर आऊँ तो इससे आप लोगों को एक जानकारी भी मिल जाएगी और शिवम और शिवम के परिवार को कोई हेल्प भी। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो और आपके वीडियो के बनने की वजह से लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके, जिसके साथ घटना हो रही है उसको एक मदद मिल सके। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।